502 रन और 29 विकेट। ये शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी का नहीं बल्कि मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताने वाले तनुष कोटियन का है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में 169 रनों के बड़े अंतर से विदर्भ को हराया है। मुंबई को रणजी चैंपियन बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा, लेकिन 25 साल के तनुष कोटियन का प्रदर्शन ऐसा रहा है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऑफ स्पिनर तनुष ने गेंदबाजी के साथ बल्ले में भी जीत में अहम भूमिका निभाई है। तनुष ने फाइनल मुकाबले में भी 7 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। तनुष कोटियन ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में ज्यादातर नंबर 9 या 10 पर बल्लेबाजी की, इसके बाद भी उनके नाम 500 से ज्यादा रन है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने तनुष इस सीजन में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर है। 10 मैच की 14 पारियों में उन्होंने 41 की औसत से 502 रन बनाए हैं। बड़ौदा के खिलाफ उन्होंने नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इन 10 मैचों में तनुष कोटियन ने 29 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक बार मैच में 10 विकेट लेने का भी कारनामा किया है। तनुष कोटियन के खेल की तारीफ मुंबई टीम के कई खिलाड़ियों ने की है। जो हमारे नए प्लेयर्स हैं, जो एक दो साल खेले हुए, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है, उनको कॉन्फिडेंस भी देना कि आप टीम के पार्ट हो और जब मौका आएगा तब आपको ही टीम को लेकर चलना है। तो मेरे ख्याल से वही हुआ ये पिछले 10 मैचों में। सीनियर्स जब जब आए उन्होंने अपना काम किया, बट उसी साथ जूनियर्स जो थे उन्होंने काफी मेहनत किया टीम के लिए, राइट टाइम पे परफॉर्मेंसेस किए, जैसे कि तनुष कोटियन ने बैटिंग में और बॉलिंग में भी जब भी वो बॉलिंग डालने आए ब्रेक थ्रूज दिए हुए। हर वक्त उन्होंने आके 4 या 5 विकेट नहीं निकाले, लेकिन एक दो क्रूशियल विकेट्स पूरे सीजन में निकाले हैं, और 9-10 नंबर पे 500 रन बनाए उन्होंने, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। शायद ही ऐसा कभी सीजन होता है जहां पे 10 नंबर पे कोई बैट्समैन 500 रन बनाता है। तो अभी तक हमने देखा गया था कि उनके पास वो कैपेबिलिटी ऑलराउंडर बनने की, बट ये सीजन में, इस रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने साबित करके दिखाया कि वो वाकई में एक ऑलराउंडर है। उन्होंने वो मैच विनिंग पारियां भी खेली है, मैच विनिंग विकेट्स भी दिलाए हैं, और मुंबई टीम इसी के लिए जानी जाती है कि यंगस्टर्स जब भी आते हैं टीम में कैसे अडेप्ट करते हैं ये लेवल पे आके, और मुशीर ने काफी अच्छा अडेप्ट किया। तनुष कोटियन एक टेरिफिक परफॉर्मर रहे हैं 2-3 साल से मुंबई के लिए, गए साल भी उन्होंने अच्छे रन्स किए थे, अच्छे विकेट्स निकाले थे, और मुझे लगता है कि यहाँ से उनको ऊपर ही जाना है, उधर से अभी पीछे देखना ही नहीं है।